लेकिन उसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के केस में थोड़ा सा कंसेप्चुअल ज्ञान आपको पहले लेना पड़ता है, ठीक है। और यहां पर दोस्तों कई सारे फॉर्मूले, अब चूंकि आप लोग ट्वेल्थ में, आप लोगों को इलेवेंथ की टॉपिक आप लोग रिवाइज कर रहे हैं, सो आपको सबसे ज्यादा जो जरूरी है उस पर पहले ध्यान देना है। आपको चारों के चारों केसेस के फॉर्मूले आपको पहले याद रखने हैं। सॉल्ट वाले केसेस में दोस्तों ज्यादा ट्विस्टिंग नहीं होती है, ऐसे बेस में काफी सारे केसेस बनते हैं, बट सॉल्ट में दोस्तों ज्यादा केसेस नहीं। स्टैंडर्ड चार टाइप के सॉल्ट है, उनको आपने पहले बढ़िया से फील करके समझना है, और फील करके समझना, बट डेरिवेशन पे ज्यादा नहीं जाना है आपको पहले, पहले आपको फॉर्मूले पे जाना है, क्योंकि आपको टू दी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तुरंत देखते ही सवाल पढ़ते ही आपको तुरंत 30 सेकंड के अंदर निकालना है कौन सा केस है, कौन सा टाइप का सॉल्ट है, एसिडिक या बेसिक, क्या इसमें क्या क्या फॉर्मूला होता है, वो चीज, ठीक है। तो सॉल्ट में आपको थोड़े से फॉर्मूले याद करने हैं और समझना है चीजों को, लेकिन फॉर्मूले दोस्तों काफी ज्यादा माइलेज जरूरी है, वो आपको बहुत बढ़िया से एकदम जबान पे याद होना चाहिए, ठीक है। आते दोस्तों, आते हम लोग अपने टॉपिक पे। देखिए पहली चीज यहां पर क्या होती है दोस्तों, जब हम सॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला कंसेप्ट हमको ये याद रखना है दोस्तों, हमारी जो जनरल आइडिया है दोस्तों, क्योंकि जो हम लोग अब तक पढ़ते हैं बचपन से लेके अब तक, कि सॉल्ट एसिड में बेस मिलाया, एसिड जब बेस के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो सॉल्ट बन जाएगा, हमारा दोस्तों जो जनरल आइडिया सॉल्ट को लेकर के क्या, कि सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, इस आइडिया को हमको पहले थोड़ा सा तोड़ना है दोस्तों। सारे सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होते हैं, सारे सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होते हैं। हाँ, हमारा देसी सॉल्ट जो हम यूज करते खाने में वो न्यूट्रल है, NaCl न्यूट्रल है, सेना नमक KCl न्यूट्रल है, बाकी सारे सॉल्ट दोस्तों न्यूट्रल नहीं होते हैं, ये आपको पहले तो समझना है। हमारा कॉमन डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला सॉल्ट न्यूट्रल है, बट सारे दुनिया के सॉल्ट न्यूट्रल है ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे कि अगर हम बात करते हैं खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, NaHCO3 हमने क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड गिव एफरवेसेंस विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड एफरवेसेंस देते हैं सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ, क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है और ये सॉल्ट बेसिक, उनमें एक जनरल एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। So, ये दोनों सॉल्ट बेसिक है, बट ये भी तो सॉल्ट है। सोडियम कार्बोनेट हमारा वॉशिंग सोडा बेसिक होता है, कपड़े धोने वाला साबुन बेसिक होता है, हमारे हाथों को, हमारे हाथों की प्रोटीन्स को दोस्तों खराब करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट वो भी बेसिक होता है, यहां से समझ में आ रहा है। खाने वाले सोडा में आप नींबू डाल दो, देखो एफरवेसेंस होगा, सिट्रिक एसिड डालने पर भी एफरवेसेंस देता है, तो एसिड बेस्ड रिएक्शन होती है। So, हम लोग एक जो सॉल्ट यूज कर रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट, वो बेसिक है, उसको भी याद करो। मतलब अगर सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बेसिक हो सकता है, मतलब और भी बेसिक सॉल्ट होते होंगे। ऐसे ही दोस्तों एसिडिक सॉल्ट भी होता है, अमोनियम क्लोराइड एक एसिडिक सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड एसिडिक हो सकता है, तो और भी सॉल्ट एसिडिक होते हैं। सो पहले तो हमको अपनी इसी थॉट प्रोसेस को गिराना है कि सारे सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होते। एसिड में बेस डालोगे, सुनो, एसिड में बेस डाल के न्यूट्रलाइज किया, सोल्यूशन न्यूट्रल नहीं होगा। एसिड में बेस डाल के आपने एसिड को न्यूट्रलाइज किया, बट सोल्यूशन न्यूट्रल नहीं होगा। सोल्यूशन क्या होगा, सॉल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर सॉल्ट न्यूट्रल है, सोल्यूशन न्यूट्रल है, सॉल्ट एसिडिक है, सोल्यूशन एसिडिक है, सॉल्ट बेसिक है, सोल्यूशन बेसिक है। एसिड में बेस डाला, हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट बनेगा। अब वो सॉल्ट को देखो पहले, वो सॉल्ट कैसा है। अगर ये एसिडिक सॉल्ट है तो सोल्यूशन एसिडिक रहेगा, बेसिक सॉल्ट है बेसिक रहेगा, न्यूट्रल सॉल्ट है न्यूट्रल रहेगा। हमारी कॉमन थॉट प्रोसेस क्या है, HCl में NaOH डाला न्यूट्रल होगा। यस, HCl में NaOH डाला न्यूट्रल होगा, क्यों, क्योंकि HCl में NaOH डालने पे क्या बनता है, NaCl, और NaCl न्यूट्रल, दैट्स व्हाई सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। सो पहले इसको पूरा एकदम ब्लड में हमको एकदम अंदर भर लेना है कि सारे सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होते। सॉल्ट कैसा भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है, ये पहली चीज। अब चलिए दोस्तों सॉल्ट के बारे में समझते हैं हम लोग। दोस्तों सॉल्ट A+B- पानी में डालेंगे, सारे सॉल्ट दोस्तों हमारे पानी में जाकर के डिसोसिएट होंगे, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं। अभी हम पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, तो सारे सॉल्ट पानी में जाके घुलेंगे तो पूरा।
सॉल्ट पानी में नहीं रहेगा, सॉल्ट पानी में नहीं रहेगा, पानी में रहेंगे सॉल्ट के आइंस। अब दोस्तों ध्यान रखना, ये जो सॉल्ट में कैटायन है ना ए प्लस, इसको आप ट्रीट करिए कैसे, इट कैन नॉट ऑलवेज इट कैन एक्ट लाइक एच प्लस। सॉल्ट में जो कैटायन है ए प्लस, इट कैन एक्ट लाइक एच प्लस, एक तरह से एच प्लस का ही जैसा है, कैन इट कैन एक्ट लाइक एच प्लस। और सॉल्ट में जो बी माइनस है वो एक तरह से OH माइनस है सर। अब दोस्तों समझिएगा, सॉल्ट में कैटायन भी होता है एनायन भी होता है, ध्यान सुनो, सॉल्ट में कैटायन भी एनायन भी है, ये कैटायन ये एनायन, ये वाला हाथ कैटायन है ये वाला हाथ एनायन है। सॉल्ट में कैटायन भी होता है एनायन भी होता है। अगर सॉल्ट का कैटायन ज्यादा जोरदार है, ज्यादा एक्टिव है, सॉल्ट में कैटायन अगर एक्टिव है ज्यादा, सॉल्ट का कैटायन ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो सॉल्ट का कैटायन अगर ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा पार्ट एक्टिव है, कैटायन, कैटायन इज लाइक एच प्लस, कैटायन इज लाइक एच प्लस, तो सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक, क्योंकि उस सॉल्ट में कैटायनिक पार्ट एक्टिव है, कैटायनिक पार्ट कैन एक्ट लाइक एच प्लस, कैन एक्ट लाइक एच प्लस, तो सॉल्ट एसिडिक होगा। सॉल्ट में अगर बेसिक एनायनिक पार्ट एक्टिव है, सॉल्ट में अगर ए माइनस है बी माइनस एक्टिव है, एनायनिक पार्ट एक्टिव है, इस सॉल्ट में ये एनायनिक पार्ट ज्यादा रिएक्टिव है, ये ज्यादा जोरदार है, यही अपना वर्चस्व निभा रहा है। सॉल्ट में एनायनिक पार्ट दोस्तों ज्यादा एक्टिव है, और एनायनिक पार्ट ये किस तरह से बिहेव कर सकता है, इट कैन एक्ट लाइक OH माइनस, इट कैन एक्ट लाइक बेस, तो ऐसा सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक। और अगर सॉल्ट में कैटायनिक और एनायनिक दोनों ही पार्ट इक्वली एक्टिव है, इक्वली एक्टिव है, दोनों ही पार्ट इक्वली एक्टिव है, जितना एक्टिव है उतना एक्टिव है, तो सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल। और सॉल्ट में अगर कैटायनिक भी झंडू बाम है, एनायनिक भी झंडू बाम है, दोनों इनएक्टिव है, दोनों इनएक्टिव है, ना ये एक्टिव है ना ये एक्टिव है, तो भी सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल। दोस्तों ये चार टाइप के सॉल्ट होते हैं, ऐसा सॉल्ट जिसका कैटायनिक पार्ट ज्यादा एक्टिव है तो एसिडिक, एनायनिक पार्ट एक्टिव है बेसिक, दोनों ही एक्टिव है इक्वल मात्रा में तो न्यूट्रल, दोनों ही इनएक्टिव है इक्वल मात्रा में तो भी न्यूट्रल। ये दोस्तों यहां पे पढ़ना होगा, इस बात को पहले दोस्तों हमने समझना होगा, ठीक है, कोई नोटेड कराने की जरूरत नहीं, सारे वीडियोस यूट्यूब पे जाएंगे, आप वहां पर सुन करके अपने आप से भी नोट्स बना सकते हैं। तो सॉल्ट के नेचर को समझने के लिए हमें देखना होता है दोस्तों नेचर ऑफ इट्स आयन। नेचर ऑफ सॉल्ट, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इट्स आयन, नेचर ऑफ सॉल्ट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इट्स आयन। सॉल्ट का नेचर दोस्तों उसके आयन के नेचर पर डिपेंड करेगा। कैटायनिक पार्ट कैन एक्ट लाइक एसिड, कैटायनिक पार्ट कैन एक्ट लाइक एसिड, एनायनिक पार्ट कैन एक्ट लाइक बेस, एनायनिक पार्ट कैन एक्ट लाइक बेस, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट कितने ज्यादा एक्टिव है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। दोस्तों देखिए कैटायनिक पार्ट ए प्लस जो है ये पानी से रिएक्ट कर सकता है, पानी से रिएक्ट कर सकता है, नॉट ऑलवेज करेगा, कर सकता है, पानी से रिएक्ट कर सकता है, और पानी से क्या ले सकता है, पानी से ए प्लस क्या ले लेगा, OH, और बना देगा AOH, और रिलीज कर देगा क्या, H प्लस, रिलीज कर देगा H प्लस। तो इसीलिए मैंने बोला था सॉल्ट का कैटायन कैन एक्ट लाइक H प्लस, एक तरह से H प्लस की तरह दे सकते हो, क्योंकि सॉल्ट का कैटायन अगर एक्टिव है तो पानी के साथ रिएक्ट करके फ्री H प्लस पैदा करेगा, और यही फ्री H प्लस पानी को क्या कर देंगे, एसिडिक। यहाँ पे कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा, सर एसिड आया तो क्या हुआ, साथ में एक बेस भी तो पैदा हुआ है, साथ में एक बेस AOH भी तो पैदा हुआ है, तो एक बेस और एक H प्लस न्यूट्रल ही हो गया ना, न्यूट्रल नहीं हुआ। दोस्तों बेस सोल्यूशन को बेसिक नहीं करता है, लाइन को बहुत ध्यान से सुनना, बेस सोल्यूशन को बेसिक नहीं करता है, सोल्यूशन को बेसिक करता है क्या, OH माइनस। अगर एसिड हमने डाल दिया पानी में हमने एसिड डाल दिया, लेकिन एसिड सो रहा है, एसिड का अल्फा जीरो है, एसिड टूट ही नहीं रहा है, पानी में एसिड डाला बट एसिड टूट ही नहीं रहा है, समहाउ वो डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है, वो एच प्लस दे ही नहीं रहा है, पानी में आपने एसिड डाला एसिड डिसोसिएट नहीं हो रहा, उसका अल्फा जीरो है, वो एच प्लस दे ही नहीं रहा है, तो पानी में एच प्लस और OH बराबर आएंगे,
पानी तो अपना एच प्लस और ओ एच की बात करते हैं ना, पानी के अपने एच और ओ एच बराबर रहेंगे क्योंकि बाहर से कोई एच प्लस आया नहीं, बाहर से एच प्लस आता तो क्या होता है, एच प्लस बढ़ता ओ एच घट जाता, लेकिन हमारा जो एसिड है वो तो सुप्तावस्था में है, वो तो भालू बन के सो रहा है अभी, तो हमारा एसिड दोस्तों सो रहा है अभी, उसने एच प्लस दिया नहीं, तो सोल्यूशन में एक्स्ट्रा एच प्लस नहीं होंगे, सोल्यूशन में पानी के एच और पानी के ओ एच होंगे और वो बराबर होंगे, तो सोल्यूशन कैसा हो गया, न्यूट्रल। तो एसिड डालने से एसिड सोल्यूशन एसिडिक नहीं होता, बल्कि एसिड के निकलने वाले एच प्लस से सोल्यूशन एसिडिक होता है। सो प्लीज बेस से डरिए मत, बेस है जब टूटेगा तब देखेंगे, एच प्लस तो आ गया ना, एच प्लस आ गया काम खत्म, एच प्लस आ गया ओ एच कम हो गया सोल्यूशन एसिडिक हो गया। सो इट कैन गिव एच प्लस, इट कैन, तो सॉल्ट का जो कैटायनिक हिस्सा होता है इट कैन गिव एच प्लस, इसी तरह से सॉल्ट का जो एनायनिक हिस्सा है इट कैन गिव ओ एच माइनस। तो अब दोस्तों इन्हीं रिएक्शन के आधार पे अगर सॉल्ट में कैटायनिक ज्यादा एक्टिव है, कैटायनिक एक्टिव है ये इनएक्टिव है, तो सॉल्यूशन में कैसा होगा, एसिडिक, सॉल्यूशन में एच प्लस आएगा ड्यू टू कैटायन, सॉल्यूशन में एनायन ज्यादा एक्टिव है और ये इनएक्टिव है, तो सॉल्यूशन में एनायन ज्यादा एक्टिव है तो क्या आएगा सॉल्यूशन में ओएच, और दोनों इक्वल मात्रा में एक्टिव है, जितना ये एच ले रहा उतना ओएच ले रहा है वो भी सॉल्यूशन न्यूट्रल। तो ये दोस्तों बात पहले तो हमको समझनी है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट ये है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट ये है, सोडियम कार्बोनेट, दोस्तों सोडियम कार्बोनेट मैंने अभी क्या बताया, सोडियम कार्बोनेट कैसा होता है, वॉशिंग सोडा कैसा होता है, बेसिक। अब सोचो क्यों बेसिक होता है सोडियम कार्बोनेट, क्यों बेसिक होता है, सोडियम कार्बोनेट में दो लोग हैं, एक Na और एक कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में दोस्तों दो लोग हैं, एक Na और एक कार्बोनेट, कौन ज्यादा एक्टिव होगा, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में कार्बोनेट आयन ज्यादा एक्टिव है और कार्बोनेट आयन की एक्टिविटी के कारण सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक। ये दोस्तों आपके पास इसी तरह से अमोनियम क्लोराइड एसिडिक सॉल्ट होता है क्योंकि अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम आयन ज्यादा एक्टिव है, दैट्स व्हाई इट इज एसिडिक, और क्लोराइड आयन सुप्तावस्था में वो इनएक्टिव होता है। तो ये दोस्तों यहां पर बात है, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ कैटायन, स्ट्रेंथ ऑफ कैटायन और एसिडिक नेचर ऑफ कैटायन कैन बी compared by rule, ठीक है, can be compared by rule। अब वो रूल क्या है हमारा कि strong base have weak conjugate acid, strong base have weak conjugate acid and vice versa, strong base have weak conjugate acid and vice versa, similarly basic nature of anion, similarly basic nature of anion is compared by rule, similarly basic nature of anion is compared by rule, strong acids have weak conjugate base and vice versa, strong acids have weak conjugate base and vice versa, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि दोस्तों हम लोग बात करते हैं, दोस्तों हमेशा आपने ये रूल लगाना होगा, दोस्तों हमेशा हमने यही रूल लगाना होगा। अब दोस्तों जैसे कि समझते हैं हम लोग, ठीक है,
भाई मान लीजिए अपने पास एच सी एन है और मान लीजिए अपने पास आर ओ एच है, ठीक है, एच सी एन का के है, लेवल अब अपने हिसाब से बता रहा हूं 10^-10 और आर ओ एच का के है 10^-16। एसिड की स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए अगर आपसे एग्जाम में आता है, आयनिक विकृपण का सवाल आता है जेईई मेन लेवल पे या जेईई एडवांस लेवल पे आपको जरूरत पड़ती है कॉम्प्रिहेंशन टाइप सवाल में, तो एसिड की स्ट्रेंथ आप के से नहीं निकालते बल्कि उनके अल्फा से निकालते, बट चूंकि दोनों एसिड एक जैसे है, दोनों एसिड वीक एसिड है, तो इनका अल्फा क्या है, अंडर रूट KC, और वहां से हम सीधे सीधे बोल सकते हैं जिसका के ज्यादा उसका अल्फा भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि आर ओ एच और एच सी एन में कौन ज्यादा एसिडिक है, HCN ज्यादा एसिडिक है, HCN ज्यादा एसिडिक है। अगर HCN ज्यादा एसिडिक है तो बात करते हैं इनकी कंजुगेट आयन की, कंजुगेट आयन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन्होंने पढ़ा हुआ है कौन कंजुगेट आयन वगैरह, और ये रूल भी मैंने बताया हुआ है। सो HCN का कंजुगेट आयन क्या होगा दोस्तों, HCN से क्या निकालते हैं, H+, जो बचेगा CN-, और ROH का कंजुगेट आयन ROH में H निकाल दे, RO-, सही बात है। अब इस रूल के हिसाब से HCN ज्यादा एसिडिक है, ROH कम एसिडिक है, तो जब हम बेसिक की बात करेंगे, जब हम दोस्तों बेसिक बिहेवियर की बात करेंगे, किसका बेसिक बिहेवियर ज्यादा होगा, CN का ज्यादा होगा या RO का ज्यादा होगा, RO का बेसिक बिहेवियर ज्यादा होगा, और ये बात हम इनके KB से भी दोस्तों पहचान सकते हैं। इनका दोस्तों जो KB होता है वो इसी फंडे के आधार पर दोस्तों हमारा निकल करके चला, इसका KB आ जाएगा 10^2 और इसका KB दोस्तों आ जाएगा हमारा 10^-4। इस आधार पे ये बात भी हमारी क्लियर हो जाती है, इनका बेसिक बिहेवियर इनके केवी से निर्धारित है, ठीक है। तो रूल दोस्तों हमारा यहां पर ये होता है, ये सीधे सीधे वहां निकल के आ रहा है, के ऑफ एच ए इज इक्वल टू KW अपॉन KB ऑफ ए माइनस, के ऑफ एच ए इज इक्वल टू KW अपॉन KB ऑफ ए माइनस। ठीक है दोस्तों, ये और इसी तरह से ये एसिड के लिए एकदम पूरा का पूरा केस दोस्तों बेस के लिए भी हो जाएगा। हमारे पास एक बेस है BOH, हमारे पास दोस्तों मान लीजिए एक बेस है BOH, तो KB ऑफ BOH बराबर KW अपॉन क्या होगा, K ऑफ क्या, हाँ K ऑफ क्या बताइए, B+। दोस्तों देखिए ऊपर मैंने अलग एग्जांपल ले लिया, अभी आप बस फोकस यहीं पे करिए, HA क्या है, एसिड, H+A-। सो एसिड है HA, तो उसका कॉन्जुगेट आयन क्या हुआ, A-, और A- कैसा होगा, बेसिक, सो उसके लिए क्या शब्द होगा, KB ऑफ A-। BOH क्या है, बेस, तो उसका कॉन्जुगेट आयन क्या हुआ, BOH का कॉन्जुगेट आयन क्या हुआ, B+ OH हटा दिया तो जो बचा दैट इज B+। B+ क्या है, कैटायन, कैटायन क्या होगा, एसिडिक, तो उसके लिए क्या, Ka ऑफ B+। सो ये हमारा रूल होता है, ठीक है। KW क्या है, पानी वाला, पानी का डिसोसिएशन कॉम्प्लेक्स, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो KW तो भाई कांस्टेंट होता है, भाई KW तो कांस्टेंट होता है, तो यहां से दोस्तों सारी की सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों KW तो सीधे सीधे कांस्टेंट होता है, यहां से दोस्तों सारी की सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। इसको आप इनवर्स स्वयं भी ले सकते हैं, इनवर्स स्वयं भी ले सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं इनको, ये चीज, ठीक है। सो अगर मान लीजिए कंजुगेट आयन तेज है, अगर मान लीजिए कंजुगेट आयन तेज है तो ये क्या होगा, कमजोर होगा। A- काफी ज्यादा बेसिक है, A- काफी ज्यादा बेसिक है, तो पेरेंट एसिड कैसा होगा, वीक होगा। KB ज्यादा होगा तो K कम होगा, K ज्यादा होगा तो KB कम होगा, वही दोस्तों यहाँ पर बातें, दे आर इनवर्सली रिलेटेड। तो जो रूल है हमारा वही है, IS में हमेशा हमको पावर ऐसे ही कैलकुलेट करनी है, इसी रूल के तहत कैलकुलेट करनी है,
और ये प्रिसाइज दोस्तों फॉर्मूला, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, दैट इज 100% ट्रू एंड दैट इज ऑलवेज वैलिड। आप चाहे तो मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा सकता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे हमको प्रूफ ज्यादा की जरूरत है। आपको सारी किताबों में इसके प्रूफ मिल जाते हैं, सारी स्कूल कॉम्पिटेटिव किताबों में प्रूफ मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल रिजल्ट है, ये दोस्तों याद रखना। कभी भी आयन के ऊपर की बात हो रही है तो इस पे दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। हम लोग अभी सवालों पे आते हैं। सो किसी भी आयन की पावर अगर हमको कैलकुलेट करनी दोस्तों, इस तरह से हमारा काम चलेगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग जरा यहाँ पर। मैं इनको अगर आगे पीछे करता हूं तो यहां पर आ जाएगा के ए, और यहां पे आ जाएगा के बी, यहां पे आ जाएगा के बी और बी माइनस, सॉरी ए माइनस, और ऐसे यहां पर के और बी प्लस, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे चलिए हम लोग बात करते हैं। दोस्तों लेट से हमारा एसिड है HCl, दोस्तों लेट से हमारा एसिड है HCl, दोस्तों HCl का के कितना होगा, HCl का के कितना होता है, HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, H2SO4, HNO3, इन सब का के कितना होगा, इनफाइनाइट। तो HCl का के इनफाइनाइट है, और KW कितना होता है पानी का, पानी का KW 10^-14, इट इज समथिंग फाइनाइट, यस इट इज वेरी स्मॉल बट इट इज फाइनाइट, बट दैट वन इज इनफाइनाइट। So finite upon infinite कितना होगा, zero. Some finite number upon infinite value क्या होगा, zero. तो ये value कितनी आ जाएगी, zero. That means क्या, HCl एक बहुत ही strong acid है, बहुत खूंखार acid है, HCl बहुत strong acid है, खूंखार acid है, तो उसका conjugate ion क्या होगा, बहुत कम basic होगा। अब वो कितना कम basic है, जरा उसका K भी देख लो, ये infinite है HCl का K, तो Cl का के भी कितना आ रहा है, जीरो। अब जीरो का मतलब क्या हुआ, वो जीरो है, Cl माइनस जीरो है, मतलब Cl माइनस बेसिक नहीं है, Cl माइनस इतना कम बेसिक है कि वो बेसिक ही नहीं है, उसको बेस ही नहीं रखेंगे। HCl बहुत तगड़ा एसिड है, तो के भी Cl माइनस का पूरा जीरो है। सो हमको याद रखना है Cl माइनस कैसा आयन है, न्यूट्रल आयन, Cl Br I माइनस, दे ऑल आर न्यूट्रल आयन, क्योंकि इनके कंजुगेट एसिड दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे ही अगले में आते, मान लीजिए हमने लिया अपना क्या NaOH, हमने क्या लिया NaOH, NaOH का KB कितना होगा, इनफाइनाइट। अगर NaOH का KB इनफाइनाइट होगा तो K of Na plus क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि NaOH बहुत खूंखार बेस है, सो Na plus बहुत कमजोर एसिड है, इतना कमजोर एसिड है कि उसका K ही जीरो है, वो एसिड ही नहीं है, वो जीरो है, उसका एसिड ही नहीं है, तो Na plus भी कैसा आयन है, न्यूट्रल। Na plus, K plus, ये सब हमारे न्यूट्रल आयन होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ Cl, Br, I minus, ये सब भी हमारे न्यूट्रल आयन होते हैं। तो अगर वो न्यूट्रल आयन है मतलब झंडुवाम, Cl, Br, ये सब झंडुवाम है, तो इसीलिए हमारा NaCl भी कैसा होता है, न्यूट्रल, क्योंकि NaCl में Na भी न्यूट्रल है, Cl भी न्यूट्रल, KCl न्यूट्रल है, ये सब हमारे जो कॉमन सॉल्ट है, ये हमारे न्यूट्रल सॉल्ट है इसीलिए, लेकिन सारे सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होंगे। ऐसे ही Na2CO3, अब सोडियम कार्बोनेट पे वापस आ जाते हैं, सोडियम कार्बोनेट पे सोडियम झंडुबाम है, बचा क्या कार्बोनेट, कार्बोनेट कैसा होता है बेसिक, तो सॉल्ट कैसा होगा बेसिक। ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड में NH4Cl में Cl- झंडुबाम है, Cl- झंडुबाम है, तो बचा क्या NH4 प्लस केटायन, और केटायन कैसा है, एसिडिक है वो, ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पर बात है, इस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है, के ऑफ Na प्लस के प्लस, के ए ऑफ Na प्लस के प्लस कैल्शियम बेरियम आयन, के ऑफ Na प्लस के प्लस कैल्शियम आयन बेरियम आयन इज जीरो, के ऑफ Na प्लस के प्लस कैल्शियम एंड बेरियम आयन इज जीरो, दैट मींस दे आर न्यूट्रल कैटायन, दैट मींस दे आर न्यूट्रल कैटायन।
दैट मीन्स दे आर न्यूट्रल कैटायन. सिमिलरली Kb of Cl minus Br minus I minus. Similarly, Kb of Cl minus Br minus I minus. Similarly, Kb of Cl minus Br minus I minus is zero. Similarly, Kb of Cl minus Br minus I minus is zero. That means they are also neutral ion. That means they are also neutral ion. ये सारे के सारे दोस्तों हमारे न्यूट्रल आयन, इनको हमने याद रखना होगा. ठीक है, अब चलिए दोस्तों सीधे आते हैं फॉर्मूलोज पर. फॉर्मूलो के वाइज सीधे आते हैं और फॉर्मूले हमको रटने हैं, एकदम जवान पे एकदम रहने चाहिए. दोस्तों देखिए, हमको चार टाइप के फॉर्मूले दिए जाते हैं, चार केसेस बना के फॉर्मूले दिए जाते हैं. सबसे पहले हमको कैटेगरी ऑफ सॉल्ट हमको दी जाती है, सॉल्ट डिराइव्ड फ्रॉम combination of salt derived from combination of salt derived from combination of a strong acid plus a strong base. Salt derived from combination of strong acid and strong base. इनकी बात करते हैं. Salt derived from combination of strong acid and strong base. इनकी बात करते हैं. इसका क्लासिक एग्जांपल हमारा NaCl. NaCl किससे बना है? NaOH और HCl से. इस कैटेगरी के सॉल्ट. ऐसे सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? न्यूट्रल. सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा. पीएच क्या होगा? मेन पीएच का याद करना. पीएच क्या होगा? 7. पीएच क्या होगा? 7. दोस्तों पीएच होगा 7. अब सिंपल केसेस में पीएच 7 होगा, लेकिन दोस्तों याद रखना पीएच 7 इज नॉट इक्वल टू न्यूट्रल. न्यूट्रल की कंडीशन क्या है? एच प्लस बराबर OH. क्योंकि मान लो टेम्परेचर अगर 25 नहीं है, तो ऐसे केस में जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पे सवाल किया था, 6.9 पीएच वाला बंदा भी बेसिक हो सकता है. 6.9 पीएच वाला भी बेसिक हो जाए. क्या था सवाल? टी बराबर 60 डिग्री सेंटीग्रेड था, के डब्ल्यू था 13, टी के डब्ल्यू था 13, तो ऐसे में हम लोगों ने निकाला था. सो वो भी हमारा बेसिक हो गया. सो इसका बेटर आंसर क्या होगा? इसका दोस्तों बेटर आंसर क्या होगा? पीएच बराबर 1/2 PKW. ये बेटर आंसर. व्हाट इज PKW दोस्तों? PKW का मतलब क्या है? माइनस लॉग ऑफ KW. P जब भी लग गया क्या? माइनस लॉग ऑफ K. PH मतलब क्या? माइनस लॉग ऑफ H. PKa मतलब क्या? PKa मतलब क्या? माइनस लॉग ऑफ Ka ऑफ एसिड. सो P जब भी लग गया मतलब माइनस लॉग हमको लगाना है. सो PKW मतलब माइनस लॉग ऑफ KW. कोई पानी वाला. ये दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा. सीधे सीधे हमको मुझबानी एकदम याद रखना. ठीक है, अल्फा जीरो, KH जीरो. दोस्तों KH से मतलब क्या है? सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस. सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस. सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस मतलब होता है सॉल्ट के आयन की हाइड्रोलिसिस. कुछ नहीं होगा यहाँ पर. सॉल्ट न्यूट्रल है, एकदम नाकारा है, किसी काम का नहीं है, सब कुछ जीरो. पीएच ये सब कुछ 7. ठीक है, ये पहला केस हमारा है. सेकेंड केस में दोस्तों आते हैं, सॉल्ट डिराइव फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड
बट वीक बेस। कोई वीक बेस का एग्जांपल लीजिए दोस्तों। दोस्तों जितने भी नाइट्रोजनस बेस है दे ऑल आर कंसिडर्ड एज वीक बेस। नाइट्रोजनस बेस मतलब अमोनिया, एनिलीन, पिरिडीन, पायरोल, ये सब दोस्तों हमारे नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन वाले बेस, ये सब थ्योरेटिकली वीक बेस होते हैं। सो अमोनिया या उसके भाई बहन वो सब दोस्तों हमारे तो वीक बेस हो गया अमोनिया। अब अमोनिया को अमोनिया भी मिल सकता है और आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी मिल सकता है, बोथ आर सेम। अमोनिया वैसे गैस होती है और अमोनियम को पानी में डाल दो तो NH4OH, पानी में घुल करके वो NH4OH। सो NH3 एज ए गैस होता है बट आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपको हमेशा NH4OH मिलेगा, बोथ आर सेम। तो वीक बेस हो गया NH4OH और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या, कोई एग्जाम्पल लो, HCl। सो इनका सॉल्ट बनाओ, इनका सॉल्ट बनाइए क्या, NH4Cl। ये हमारा दोस्तों एक एसिडिक सॉल्ट है। ऐसे ही NH4NO3 एसिडिक सॉल्ट, NH4SO4, ये सब दोस्तों हमारे एसिडिक सॉल्ट की कैटेगरी में। सॉल्ट में कौन ज्यादा एक्टिव है, एसिडिक पार्ट, कैटायनिक पार्ट। दोस्तों रटने का एक और भी अच्छा तरीका है, स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक बेस वाला, स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक बेस वाला, एसिड स्ट्रॉन्ग है बेस वीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग है बेस वीक है, तो सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है। याद करने का तरीका ये भी, क्यों, क्योंकि ऐसे सॉल्ट में कैटायनिक पार्ट ज्यादा एक्टिव है, फंडा ही है, एनायनिक पार्ट झंडूबाम है, सीएल न्यूट्रल है, नाइट्रेट न्यूट्रल है, सल्फेट न्यूट्रल है, अमोनियम के कारण सोल्यूशन एसिडिक। चलिए दोस्तों अब यहां पर फॉर्मूला याद करते हैं, फॉर्मूला स्पेशली फॉर्मूला पीएच का। देखो बहुत खूबसूरत तरीका है, यहां पर दोस्तों ये फॉर्मूला होता है और इसको याद करने का बहुत बढ़िया तरीका है। देखो दोस्तों फॉर्मूला को पहले आपको मैं बता रहा हूं, देखो है क्या, प्लीज सब लोग सामने फोकस करिए। देखिए पीएच बराबर 1/2 पीकेडब्ल्यू, पीकेडब्ल्यू सही है, पीकेबी क्या लेना है, हमने केबी का माइनस लॉग लेना है, बट किसका केबी, किसका केबी दोस्तों, वीक बेस, ये जो पेरेंट है ना उसी को लेना है, आयन को नहीं लेना है, पेरेंट बेस को लेना है। इस बेस को मैं ले लेता हूं बीओएच, तो पीकेबी और बीओएच। वैसे इस केस में किसका पीकेबी लोगे, NH4Cl में किसका पीकेबी लोगे, NH4OH का, अमोनिया का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पीकेबी आप, और माइनस लॉग सी, लॉग सी क्या है, मैं सी हमारा क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, बट सॉल्ट नहीं दोस्तों, सही टर्म सॉल्ट नहीं है, कंसेंट्रेशन ऑफ एक्टिव आयन, आयन सॉल्ट नहीं, आयन, आयन क्या है यहाँ पे, NH4, NH4 की कॉन्सेंट्रेशन, NH4 की कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो इसका क्यों लफड़ा है, क्यों लफड़ा है, किताब वाला सॉल्ट बोल के रटाता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ सॉल्ट बोल के रटो, क्यों दोस्तों, मान लीजिए आपको सॉल्ट ये मिला, अमोनियम सल्फेट मिला, अमोनियम सल्फेट की कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.1 दोस्तों, अमोनियम सल्फेट 0.1 है, बट अमोनियम सल्फेट से निकलने वाला अमोनियम आयन, अमोनियम आयन कितना होगा, एक मॉलिक्यूल कितने NH4 देता है, दो, सो 0.1 से कितना मिलेगा NH4, 0.2। तो सही आंसर में आपको क्या रखना होगा, सी, 0.1 या 0.2। किताब वाला सॉल्ट बना के रटा देता है और एग्जामिनर को उसी में मजा मिल जाता है। सो सी इज नॉट कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, इनफैक्ट सी इज द कंसेंट्रेशन ऑफ एक्टिव आयन, सॉल्ट का एक्टिव आयन। यहाँ पे एक्टिव आयन कौन है, NH4Cl में एक्टिव आयन कौन, NH4, NH4NO3 में एक्टिव आयन कौन, NH4, NH4 सल्फेट में एक्टिव आयन कौन, NH4, क्योंकि ये सब तो झंडू वाम है, इनएक्टिव है, न्यूट्रल है। सो सी इज द कंसेंट्रेशन ऑफ एक्टिव आयन। अब देखो याद करने का तरीका हमेशा याद रहेगा, देखो सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक, एसिडिक है तो पीएच कैसा होगा, 7 से ज्यादा है कम, पीएच कैसा होगा, 7 से ज्यादा है कम, तो पीएच को 7 से कम करने के लिए हमने सब कुछ क्या कर दिया, माइनस, पीएच को 7 से कम लाने के लिए हमने सब कुछ माइनस कर दिया, बहुत बढ़िया जुगाड़ पाने लग जाता है। 1/2 पीकेडब्ल्यू क्या हुआ, 7, पीकेडब्ल्यू कितना होता है, 14, 10^-14 का माइनस लॉग लो, 14, तो पीकेडब्ल्यू 14, 14/2 7, बट हमें 7 से कम चाहिए तो हमने सब कुछ माइनस कर दिया, पीकेबी भी माइनस किया और
लॉग से भी माइनस बस काम कर। केस थ्री, अगला केस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अगला हमारा क्या, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, दोस्तों वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, कोई वीक एसिड बताओ। हाँ एस्ट्रिक एसिड, कोई स्ट्रॉन्ग बेस बताओ। स्ट्रॉन्ग बेस हमारा एनिओएच, सो एस्ट्रिक एसिड और एनिओएच सॉल्ट CH3COOH, क्लासिक एग्जांपल यही है सोडियम एस्ट्रेट। ठीक है, सॉल्ट कैसा होगा, सॉल्ट कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस में वीक एसिड डाला, बेस स्ट्रॉन्ग है एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है एसिड वीक है, सॉल्ट कैसा होगा। बेसिक याद करने का तरीका ये, भैया बेस जोरदार है तो सॉल्ट बेसिक होगा। फंडा क्या है, सोडियम एस्ट्रेट में कौन सा डूबाम है, सोडियम एस्ट्रेट में कौन सा डूबाम है, एने तो झंडू बाम है, न्यूट्रल होता है, बचा क्या एस्ट्रेट, एस्ट्रेट है तो बेसिक हो जाएगा, एस्ट्रेट एंड बेसिक होता है। अब देखो कितना बढ़िया तरीका है दोस्तों याद करने का, सुनो पीएच बराबर 1/2 पीकेडब्ल्यू प्लस पीके प्लस लॉग से, कितना बढ़िया फंडा बन गया, कैसे बढ़िया फंडा बन गया। अब की बार सॉल्ट कैसा रखना है, तो पीएच क्या करना है, 7 के ऊपर, क्योंकि पीएच को 7 के ऊपर ले जाना, तो इस बार सब कुछ प्लस कर दिया, तो ऐसे जुगाड़ पानी बिठा के याद हो जाएगा। पीके किसका लेंगे, वीक एसिड का, एचए का, और सी क्या है, सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव आयन, यहां पे एक्टिव आयन कौन है, एनायन, वहां पे एक्टिव आयन कौन है, कैटायन। ठीक है दोस्तों, ये यहां पे रहेगा, और लास्ट केस होता है हमारा केस ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। वीक एसिड प्लस वीक बेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है, सवाल आने के मोस्टली चांसेस यही होते हैं, और यहां पे क्या होता है, ऑल पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है दोस्तों, ये यहां पर होता है, क्या है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, पहले आप लोग नोट कर लीजिए फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं मैं। चलिए दोस्तों समझिएगा, देखिए अगर हमारे पास वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, एसिड भी वीक है बेस भी वीक है, दोस्तों एसिड अगर वीक है तो उसका कंजुगेट एनायन, एचए अगर वीक है तो उसका एनायन ए माइनस कैसा होगा, ठीक ठाक बेसिक होगा, एसिड अगर बेकार है तो उसका एनायन ठीक ठाक बेसिक होगा, बेस भी साथ में बेकार है, बेस भी वीक बेस है, बीओएच भी वीक बेस है, अगर बीओएच वीक है तो उसका कैटायन बी प्लस ठीक ठाक एसिडिक होगा, तो अब की बार सोल्यूशन में एनायन भी एक्टिव है और कैटायन भी एक्टिव है, कैटायन भी एक्टिव है और एनायन भी एक्टिव है, अब यहां पे फंडा काम करेगा दोस्तों, कैटायन भी एक्टिव है एनायन भी एक्टिव है, बट मान लो कैटायन ज्यादा एक्टिव है एनायन कम एक्टिव है, कैटायन ज्यादा एक्टिव है एनायन कम एक्टिव है, तो सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक, एनायन ज्यादा एक्टिव है कैटायन कम एक्टिव है बेसिक, दोनों इक्वली एक्टिव है, यहां पे सारी पॉसिबिलिटीज होती है, यहां पे हमको देखना होता है कौन सा पार्ट ज्यादा एक्टिव है, किसका के ज्यादा एक्टिव है, कैटायन कैसे देखोगे आप, कैटायन कैसे देखोगे, बी प्लस कैसे देखोगे, के डब्ल्यू अपॉन के बी और बी ओ एच, इसका एसिडिक पावर हमें निकालना पता है, बी प्लस की के हमको निकालना पता है, के डब्ल्यू अपॉन के बी और बी ओ एच,
निकाल लेंगे इसका के बी, ऐसे इसका निकाल लेना के बी ए नाइन ए माइनस, ए माइनस का के बी कितना आएगा, के बी ऑफ ए माइनस बराबर के डब्ल्यू अपॉन के ऑफ ए एच ए, निकाल लो कौन ज्यादा एक्टिव है, किसकी पावर ज्यादा है उसके आधार पे तरीका आपको बता दो। बट पहले फॉर्मूला रख लेते हैं, यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। दोस्तों देखो कितना बढ़िया फॉर्मूला है, कितना बढ़िया फॉर्मूला है, आप क्या निकाल लो पीएच, तो पीएच निकाल लो, आपकी बार एसिड भी वीक है बेस भी वीक है, सो आपकी बार के ए भी है के बी भी है, बट कितना बढ़िया फॉर्मूला है, पीएच बराबर 1 बाय 2 पी के डब्ल्यू, ऊपर से चलता चला आ रहा है, पहला टर्म क्या है 1 बाय 2 पी के डब्ल्यू। अब अगला टर्म देखो दोस्तों, पीएच निकाल लो ना, एच 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 कहां से आता है, एसिड से आता है, तो के पहले के बी बाद में, पीएच निकाल लो ना, एच कहां से आता है, एसिड से आता है, के पहले के बी बाद में, के प्लस किया के बी माइनस किया। इसी में अगर मैं पीओएच का फॉर्मूला लेता हूं, पीओएच बड़ा खूबसूरत फॉर्मूला बन जाता है, अब OH ले रहे हो, OH कहां से आता है, बेस से आता है, तो पीके भी माइनस पीके, सो अगर OH निकालना है तो ऐसे निकालो, H निकालना है ऐसे निकालना, बट आप H ही निकालो फॉर्मूले में, पीएच ही निकालो, आपको कभी भी H से OH निकालना है तो क्या निकालते हो आप दोस्तों, पीएच प्लस पीओएच बराबर कल क्या रटाया था, पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना पीके डब्ल्यू या 14, ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी वैसे ही आया, बट फॉर्मूले की सिमेट्री बड़ी खूबसूरत है, पीएच बराबर 1 बाय 2 पीके डब्ल्यू, अब क्या ले पीके ले या पीके भी ले, एग्जाम में भूल गए, एच है ना, एच कहां से आता है, एसिड से आता है, सो पीएच बराबर पीके डब्ल्यू प्लस पीके माइनस पीके भी, काम खत्म, चार फॉर्मूले मुझे वाली रट जाते हैं, जुगाड़ पानी बिठा के।